नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जानकारी के मुताबिक यहां पर एक दंपति में अनबन के चलते एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर राजस्थान के बाड़मेर जिले से, जहां पर जानकारी के मुताबिक मंडली थाना अधिकारी कमलेश गहलोत के मुताबिक यहां दंपति के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी। महिला की शादी साल 2014 में हुई थी। जब मौके पर पहुंचे तो महिला के बताया जा रहा है कि घर पर नहीं होने की सूचना मिली थी। परिवारजनों ने काफ़ी तलाशा, यहां पर अनाज के ड्राम से सब खुलासा हो गया, जहां पर संदिग्धता के चलते फांदी पर शामिल चार, जानकारी के मुताबिक यहां पर तीन बच्चे और महिला शामिल है। खबर बाड़मेर से, जहाँ पर घटनाक्रम शनिवार दोपहर की है। बनियावास गांव के रहने वाली उर्मिला ने शनिवार को अपने बच्चों भावना, विक्रम, विमला और मनीषा के साथ इस कदम उठाया। खबर के मुताबिक सामने आ रहा है कि महिला का पति जेठाराम मजदूरी के लिए बालेश्वर जोधपुर गया हुआ था। महिला ने एक दिन पहले ही खाना खिलाकर टिफिन पैक कर जेठाराम को मजदूरी के लिए भेजा था और देर शाम उन्हें फ़ोन कर घर पर बुलाया कि घर पर आ जाओ। नहीं आने पर अगले दिन ये खबर सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, कार्रवाई की जा रही है। वहीं जब उसके चाचा, महिला की चाचा डूंगर राम से पूछताछ की तो उनका कहना है कि उनकी भतीजी के साथ ससुराल वाले पिछले करीब 5 सालों से विवाद करते आ रहे हैं। सामाजिक स्तर पर भी पंचायत की, लेकिन मामला सुलझाई से नहीं हुआ। अब ये कदम उठाया, आखिर जांच की जा रही है। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर। नए विजिट कर रहे हैं चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।